चलिए जनाब, कोविड के केसेस की बात हो रही है तो आपको फटाफट से ये भी बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आए हैं। 230 के करीब केसेस जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं और 58 के करीब केस जो है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जहाँ 230 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहीं पर लद्दाख के अंदर 58 और इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो कोविड कैजुअलिटीज़ हैं वो भी रिपोर्ट जो है वो हो रही है। तो कुल मिलाकर ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कर्व जो है वो कम हो रहा है, लेकिन जो 4 केस रिपोर्ट किए गए जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद 40 के करीब डोडा के अंदर, 9 पुंछ के अंदर, रामबन के अंदर 8, उधमपुर के अंदर 3, रजौरी के अंदर 3, कठुआ के अंदर 3 और 1 किश्तवाड़ के अंदर जो है वो केस पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर जो भी सूरत हाल है वो हमने आपके सामने पहले ही रख दी थी, लेकिन कश्मीर सूबे की जब हम बात करते हैं तो 104 केसेस के साथ हम इस वक्त सामने हैं, जहाँ पर 50 के करीब श्रीनगर, 8 बारामूला, 14 बडगाम, 3 पुलवामा, 18 कुपवाड़ा, 3 अनंतनाग, 5 बांडीपोरा, 2 गांदरबल और 1 शोपियां से जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। तो ये कोरोना की जो है वो खबर आ रही है, कोरोना की अपडेट्स जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ी देर में मरकजी वजारत सेहत का भी अपडेट जो है वो सामने आएगा, लेकिन मरकजी वजारत सेहत ने सभी रियासतों के नाम ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि कोरोना पॉजिटिव को लेकर जो बंदिशें अभी भी हैं उन बंदिशों को नरम किया जाए ताकि मजीद सहूलियत जो है वो लोगों को मिल सके, क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो